पप्पू पप्पू ता धग 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 धुंगा तक थो धग धग धुंगा तक थो ता धग 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 धुंगा तक थो धग धग धुंगा तक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो किटी किटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दैता थई किटी किटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दैता थई किटी किटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दैता थई वाओ कितनी खूबसूरत जगह यार। मैं पिक्स लेना ठीक है, जब दोबारा आएंगे यहाँ पे किसी दिन के वक्त आऊंगी। हाँ हाँ ज़रूर, बस यार खुदा करे अम्मी की तरफ से ना आज ग्रीन सिग्नल मिल जाए। तुम्हें पता है एक लड़के के लिए कितना टफ होता है अपनी गर्लफ्रेंड और माँ का मीटअप अरेंज कराना। चल यार तुम ये छोटी छोटी बातों को सर पे मत सवार कर लिया करो, इसी सीन है। हाय तुम्हारा चेस्ट तो देखो, शर्लिन चोपड़ा की तरह धक धक कर रहा है। बिहेव करो, और अम्मी के सामने ना ये सब बातें बिल्कुल मत करना। तुम्हें नहीं पता वकार अंसा हाई स्कूल की सबसे बासूल और सख्त टीचर थी। ओके चलें अब। इससे क्या बात है ना पार्टीशन से पहले के घरों की। यार तुम लोग अपना घर फिल्मों और ड्रामों के लिए क्यों नहीं देते? उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जरूरत से ज्यादा लंबी नहीं। कम ऑन यार आंटी, यार क्या लंबे छोटे की बात लेकर बैठ गई हैं। सोनम कपूर को कभी नहीं देखा, उसके शौहर को देखें कितना फर्क है उनमें। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती। ग्रो अप यार, उम्र में भी काफी बड़ी है तुमसे। एनीवे वो क्या कह रही थी आप, रिस्क मौत समथिंग। चलो आसान लफ्जों में समझा देती। हाँ हाँ, हराम की कमाई ना कभी खाई है और ना कभी खाएंगे, वैसी कमाई से तो मरना बेहतर है। अरे आंटी ये फिल्म और ड्रामा वालों की कमाई ना बड़े खून पसीने की होती है। अरे मैं खुश हुए साहब की फिल्म में 4:30 थी, यही अंदरून में ही था स्पेल जून के महीने में। शदीद गर्मी में पूरा यूनिट काम कर रहा था और मैं टॉलरेट नहीं कर पाई, बेहोश हो गई। और उठने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया कि ना बाबा मेरे से ये काम नहीं होगा। ओ तो यानी फिल्मों में भी काम किया। तुमने बताया नहीं था औरंगजेब। वैसे ये माया अजीब सा नाम नहीं है, मुसलमानों में रखते हैं क्या ये नाम? बिल्कुल रखते हैं आंटी, माया अली माया खान कितनी मशहूर एक्ट्रेस है, और माया अली तो फिल्म भी कर रही है शुएब मंसूर की इमाद इरफानी के साथ। हाय कितना चिकना है। मेरा मतलब है कितना गुड लुकिंग है ना। मैं ड्रामे या फिल्में नहीं देखती, हाँ कभी कभार उमैरा अहमद के ड्रामे देख भी लेती हूँ, काफ़ी इस्लाही और सबक आमोज होते हैं। अलिफ देखा था आखिरी ड्रामा। आंटी मैंने तो टीवी देखना बिल्कुल ही छोड़ दिया, अब इंसान क्या ही देखे। मैं तो बस नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे इंडियन सीरीज देख लेती हूँ। वैसे मैंने तो सुना है काफ़ी वाहियात होते हैं, माँ बहन की नंगी गालियाँ दे रही होती हैं औरतें। अरे औरतें तो गालियाँ देती ही हैं, मेरे मुंह से भी कभी कभी MCBC निकल जाता है। ये MCBC क्या होता है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी कोई गाली है? नहीं कुछ भी नहीं है अम्मी, आप वो खाने को लेकर आए ना कुछ। बेटा जी सुबह से कॉपियां चेक कर करके मैं थक चुकी हूँ, सारा दिन लाइट नहीं थी और अब मेरी आंखें भी दुख रही हैं। जाओ चाय बनाओ और बाहर से कुछ लेते आओ। मैं तवा चिकन खाऊंगी आरिफ शक्कारे का। तुम चल रही हो साथ? ये क्यों चलेगी साथ,
अभी सारी बिल्डिंग वालियां मुझसे सवाल पूछेंगी। जाहिर है तुम दोनों को साथ आते हुए देख चु लिया होगा, और वो तुम्हारी फुफो, उन तक भी खबर पहुंच चुकी होगी। उनके कान तो वैसे ही मेरे घर के दरवाजे पे रहते हैं। भाई जाओ, इसका तवा पीस लेके आओ। पहले इतनी रात को आइए, जाते जाते आधी रात हो जाएगी, और वापसी पे यहाँ पर कन्वेंस का मसला होता है। अरे आंटी, मैं अपनी स्कूटी पर आई हूँ, इसे पीछे बिठा के। स्कूटी मतलब स्कूटर? जी जी। तो कुछ और लाना है अम्मी? आते हुए सर दर्द की गोलियों का पूरा पत्ता ले आना डफर। ता धग 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 धुंगा तक थो, धग धग धुंगा तक थो, ता धग 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 धुंगा तक थो, धग धग धुंगा तक थो, तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो, तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो, किटी किटी धग 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 धुंग धग गिदगिरे दई ता थई, किटी किटी धग धग। हमारे यहां वैसे नाम बहुत सोच समझ के रखे जाते हैं। मेरा नाम सुल्ताना चांद बीबी मेरे नाना जान ने रखा था, और मेरी बड़ी बहन का नाम रजिया सुल्ताना था। वैसे जानती हो चांद बीबी कौन थी? तो मशहूर डांसर थी, है ना? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे या मेरे खानदान को नाच गाने, टीवी, ड्रामो, सिनेमा से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि आप उमेरा अहमद के ड्रामे देखती हैं। मेरा बेटा तुम्हें मुझसे मिलवाने लाया है, और तुम उसी की माँ को कह रही हो कि तुम्हारा नाम किसी रकासा के नाम पे रखा गया है। अरे आंटी, रकासा नहीं, डांसर कहा है, और रकासा तो धंधा करने वाली औरतों को कहते हैं। नहीं, धंधा करने वाली औरतों को तो प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, मगर रकासा मैंने सुना जरूर है। चांद बीबी, आपके नंदोया साहब बैठे हैं चाय पीने के लिए, जरा सी चीनी दे दो। और हाँ, वो आटे वाले हलवे की भी जिद कर रहे हैं, महीने का सौदा लाएंगे ना तो मैं वापस कर दूंगी। और ये बच्ची कौन है? औरंगजेब के ऑफिस में काम करती है। हाय, ये अपने पप्पू को स्कूटर पे बिठा के लाई है? सारी बिल्डिंग वाली औरतें बातें कर रही हैं। आपको तो पता है, जब ये किसी बात के पीछे पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से जान छोड़ती है। पप्पू? औरंगजेब ने मुझे तो नहीं बताया कि उसका निकनेम पप्पू है। इसके ददियाल से इसको बस यही एक बेहुदा नाम मिला है। बिल्किस आपा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उसको सबके सामने पप्पू ना कहा करें। आपको पता भी है वो कितना चिढ़ता है। और कहा भी किसके सामने, मेरे तो पेट में कुछ बात ही नहीं रुकती। कल पूरे ऑफिस में पप्पू यार के नारे लगेंगे। तो चीनी तो ला दो, और एक प्याली देसी घी भी ला देना। असली घी नहीं है घर पे। तो चीनी तो ला दो। ता धग 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 धुंगा तक थो, धग धग धुंगा तक थो, ता धग 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 धुंगा तक थो, धग धग धुंगा तक थो, तिक धा। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। खैर से आए हो? जी खैर से आई हूं। वो दरअसल मैंने और औरंगजेब ने शादी करने का फैसला किया, इसलिए। क्या? मैं औरंगजेब की सकी फुफो वहां, और मेरी लाइबा का रिश्ता बचपन तो औरंगजेब ना तय होया, और वो भी मेरे माँ बाप ने मेरे भरा की मर्जी ना। मुंह तो सिर्फ एदा ही फुलिया होया सी। तो अच्छा हुआ बच गई आप। क्यों? अरे आपको नहीं पता कजन मैरिज के कितने खतरनाक इम्पैक्ट होते हैं। बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। और की एक खानदाना दे रिश्तेदारां दे लिहाज हुंदे ने, वो एक दूसरे नु जानदे ने। मेरी बच्ची उदो 5 साल दी सी जदों उहने ज़ेहन च बैठा कि उहने औरंगजेब दी दुल्हन बनना है। ते छोटे बच्चों के माइंड में ऐसी बातें डालना अच्छी बात है? हाय, इतनी छोटे बच्चों के माइंड में ऐसी बातें डालना कोई अच्छी बात है? एडी तो मीस नहीं रहिंदी नी मासी, मुसीबत जी ना आवे ते खबरदार मेरे श्री पुत्र नु खराब कीता दे। माइंड योर लैंग्वेज आंटी। हाय, मैं मर गई एडी लंबी डांग, मैं पौड़ी बना के ना पूरे घर दी छत्ता साफ कर लेनी है तेरे नाल, समझिए। तो दो इंग्लिश दे लफ्ज की सीख लेने, माइंडेड माइंडेड, मैं नहीं पता था की मतलब है दिमाग खराब होना, समझिए। तो चोखी ना आवे ते। महीने के राशन में तो चीनी लेकर आए थे, लेकिन अब मिल नहीं रही। मैंने तेरे को ऐसी खुशखबरी दी उम्मीद सी, अगर तू लोगों को वखावे दी नमाजा पढ़नी ना झूठी है मकार ने, मैं तेन सब जाननी हाँ। मेरी भैन मेरे इन्ने तरले लेंदी है मेरी बेटी के रिश्ते दे अपने सलमान पुत्र ले।
तो जाओ ना अपनी बहन के घर कर दो रिश्ता और जान छोड़ो हमारी। फिर से कजन मैरिज? क्या क्या हो क्या गया आप लोगों को? अरे जियो, हम, एयरवे ये सब देखना इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके पास इस टॉपिक के अलावा और कुछ है ही नहीं। देखिए मेरी बात का माइंड मत करिए। फिर तो माइंड मूड में चले आई है एडा तरह मेंढक मुंडक रहंदा नहीं किते। थोड़ी जी अंग्रेजी की सीख ली मेंढक मेंढक। मेरी ती ए उबर वालिया नाल ते पांडे वालिया नाल एडी सोहनी अंग्रेजी बोलदी है कि तबीयत खुश हो जाती है। तो उसी से कर लेना शादी। तो उसी से ही कर लेंगे पर मत लंबी डांग जी ना बेते। ता धग 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 धुंगा तक थो धग धग धुंगा तक थो ता धग 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 धुंगा तक थो धग धग धुंगा तक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो बगैर था रामजादा नागन का बच्चा। अरे पप्पू यार कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर क्यों लगा दी तुमने? पप्पू वैसे कितना क्यूट नाम है ना, पप्पू सूट भी करता है तुम पे। अम्मी आपने ठीक नहीं किया, ये आपने बताया ना ऐसे। और लगाओ तुम अपनी माँ पे बहुतान। मैं कब तुम्हें इस बेहुदा नाम से पुकारती हूँ? हमेशा औरंगजेब कह के बुलाया मैंने तुम्हें। तुम्हारी वो जो सगी है तुम्हारी फुपो, वो इसके सामने बकवास करके गई है। मैंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि रखे हैं अपने उस बेटी को अपने घर में और करवाए अपनी बहन के घर उसकी शादी और जान छोड़े हमारी। अरे पप्पू यार समझाओ अपने खानदान वालों को, ये क्या कजन मैरिजेस लगा के रखे। जबान संभाल के बात कर, तेरा बाप होगा पप्पू। कसम से अगर मेरे पापा का नाम पप्पू होता ना तो प्राउडली उनको पप्पू कहती, लेकिन उनकी चिड़ तो गुलाब जामुन है। मम्मी बताती हैं कि एक बार झगड़े में छोटे मामू ने उनको गुलाब जामुन कह दिया था। पता है फिर क्या हुआ था? पापा ने क्रिकेट बैट उनके सर पे दे मारा, मरते मरते बचे थे। बट सीरियसली यार गुलाब जामुन थोड़ा वियर्ड सा लगता है, लेकिन पप्पू बहुत क्यूट है ना? निकल यहाँ से, चल दफा हो यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुन। अरे क्या कर रहे हो? अच्छा अरे चटकारा तो खिला दो। निकलो यहाँ से, दफा ये अपना फोन पकड़ो, निकलो यहाँ से। अरे दफा हो यहाँ से और करो तुम अपनी मन मर्जियाँ, ऐसी बेहुदा लड़कियां टकराएंगी तुमसे। जाओ शुक्राने का दो नफल अदा करो, जान छूटी उस बदजात से। ये तवा पीस डाल के लाओ प्लेट्स में। जी। ता धग 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 धुंगा तक थो धग धग धुंगा पप्पू। ता धग धग पप्पू धुंगा तक थो। आ तो बेटा कल ऑफिस पप्पू नाम के नारे लगेंगे। तिक धा तो तक थो तिक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो किटकिटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दई ता थई किटकिटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दई ता थई किटकिटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दई ता थई ता धग 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 धुंगा तक थो धग धग धुंगा तक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो तिक धा तिक धा तिक धा तिक धा तो तक थो तिक थो किटकिटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दई ता थई किटकिटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दई ता थई किटकिटी धग 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 धुंग धग गिदगिने दई ता थई।